हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल, टैक्स प्लानिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को लेकर काफी लोगों में कंफ्यूजन है। नए स्लैब रेट है, न्यू टैक्स रिजिम है, बहुत से स्लैब है, लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। कैसे टैक्स कैलकुलेट करें, कितना टैक्स बनेगा, ऑल्ड रिजिम में रहे कि न्यू रिजिम में आए, इस तरह के बहुत से कंफ्यूजन है। कितना टैक्स कैलकुलेट कैसे करें, टैक्स तो कॉमन पर्सन के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो टैक्स अपना कैलकुलेट कर सके। तो आज हम देखेंगे सबसे सिंपल और आसान तरीका कि कैसे हम कंपेयर कर सके कि ऑल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम में जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के जो टैक्स है, कितना टैक्स सेविंग होगा, कैसे कैलकुलेट करें। तो बड़ा इजिएस्ट तरीका, आप सिंपली जाइए गूगल में, आइए इनकम टैक्स इंडिया .gov.in टाइप कीजिए, आपको पास ये स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए व्हाट्स न्यू में, देखिए टैक्स कैलकुलेटर ऑल रिज्यूमे वर्सेस न्यू रिज्यूमे पोस्ट बाय द फाइनेंशियल 2023। तो यहाँ पर आप जाइए, तो यहाँ पर आप जाकर क्लिक कीजिए इसको। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, टैक्स कैलकुलेटर। यहाँ पर टैक्स कैलकुलेटर में जाइए, आप लिंक पर कीजिएगा तो आपके पास ये टैक्स कैलकुलेटर सीट ओपन होके आएगा, जहां पर आपको इनकम डिटेल आपको भरना है। तो यहाँ पर सिंपली आप टैक्स पेयर, आप इंडिविजुअल एचयूएफ जो है, तो आप सपोज जो है तो इंडिविजुअल पर हम लोग लेके चलेंगे। इंडिविजुअल सैलरी टैक्स पर्सन के हिसाब के में हम यहाँ पर देखेंगे। इंडिविजुअल के केस में हम आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है मेल फीमेल सीनियर सिटीजन। तो क्योंकि सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन का स्लैब रेट चेंज होता है, तो हम सिंपली अभी मेल यहाँ पर कर रहे हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो रेजिडेंशियल स्टेटस है आपका। तो अगर नॉर्मली हम मान के चलते हैं रेजिडेंट है, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब यहाँ पर ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग अलाउंसेस एग्जिम्प्टेड अंडर द बोथ रेजिम। तो बोथ रेजिम, अब ये समझना बड़ा ये है कि कैसे समझें कि इस रेजिम में है, उस रेजिम में नहीं है, इधर उधर आच पाच। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आइकन है मतलब बना हुआ, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर नजर आ जाएगा कि दोनों रिज्यूमे जो है, ऑल एज वेल एज द न्यू रिज्यूमे में क्या आपके एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस है। तो आप देखिए एलटीए है आपका, कोई भी अलाउंसेस टू और फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस, एनी अलाउंसेस ग्रांटेड फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कन्वेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ ऑफिस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ग्रांटेड टू द एम्प्लॉई ब्लाइंड और डेफ और डम। तो ये जो छात्रा का यहाँ पर दिया हुआ आपको यहाँ पर, तो ये है दोनों रिज्यूमे में, ऑल एज वेल न्यू में दोनों में एग्जिम्प्टेड है। तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपको। सपोज मान लीजिए यहाँ पर आप हम इनकम 5 लाख से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, जैसे देख रहे हैं 7 लाख तक एग्जिम्प्टेड है ना आ रहा है। तो 5 लाख अगर आप यहाँ से 5 लाख, 5 सपोज मान लीजिए 5 लाख देखते हैं, स्लैब 3 4 स्लैब अभी चेक करेंगे, वहां से हम 5 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगता था आपका सपोज आफ्टर एग्जिम्पशन। उसके बाद अमाउंट डिडक्टेबल एग्जिम्प्ट फ्रॉम द ग्रॉस टोटल एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड इन बोथ रिजिम ऑल एज वेल एज न्यू, व्हिच इज नॉट अलाउड इन न्यू रिजिम। तो अच्छा, अब यहां देखिए डिडक्टेबल एग्जिम्प्ट और एग्जिम्प्ट फ्रॉम ग्रॉस सैलरी व्हिच इज नॉट अलाउड इन द न्यू रिजिम है, तो आप कैसे पता चलेगा कि क्या है या नहीं है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका LTA, HRA और 1014 ऑफिशियल, में बहुत सारे करते हैं इन एजुकेशनल अलाउंसेस वगैरह जो मिलते हैं, 1014 इंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड प्रोफेशनल टैक्स कवर्ड अंडर सेक्शन 16(2) एंड 16(3) रेस्पेक्टिवली। तो ये जो है आपको न्यू रिज्यूमे में अलाउ नहीं है, ऑल रिज्यूमे में आपको क्लेम कर सकते हैं, न्यू रिज्यूमे में ये अलाउ नहीं है, आपको डिडक्शन इसका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रिएक्शन लेना भी चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली अमाउंट, अगर मान लीजिए एचआर का क्लेम करते हैं आप, तो सिंपली अमाउंट यहाँ पर डालेंगे तो वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हम कंसीडर अभी नहीं ले रहे हैं, फिर एक प्रमोटेशन कमीशन में हम लेकर भी देखेंगे इसको। उसके बाद आप देखने यहाँ पर ATCC D2 NPS वगैरह का जो है, जो दोनों केस में आपको वो ऑप्शन मिलता है आपका, और रिडक्शन एग्जेम्पशन अंडर ATC वाले, ATC वाले जो 1.5 लाख का एग्जिमिशन मिलता है वो। तो आप ये देख रहे हैं सिर्फ सिंपली ओनली 5 लाख डालते हैं, नो डिडक्शन, ATC डिडक्शन और
कोई भी एचआर वगैरह क्लेम नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए सिंपली आपका जो टैक्स जो स्टैंडर्ड डिडक्शन, देखो देखिए आपको 50,000 दोनों में दोनों स्कीम में के अंदर मिल जा रहा है। आप देखिए क्लियरली, आप देखिए बिल्कुल आपको सिंपल कैलकुलेशन है, आपको माथा पीछे नहीं करना है वहां पे। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर इन बोथ केसेस नो टैक्स टैक्स कैलकुलेटेड है। एंड नाउ अब आपको मान लीजिए 5,50,000 अगर आप करते हैं, तो 5,50,000 के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन इन बोथ केसेस आपको अवेलेबल हो रहा है। तो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी 5 लाख इन बोथ केसेस, एंड आपका यहाँ नियल टैक्स। अच्छा यहाँ पर आप देखिए कि न्यू रेजिम में जो टैक्स स्लेब है वो है 3 लाख तक आपका नील है, 3 से 6 लाख तक जाइएगा तो 5%, और 6 से 9 लाख तक जाइएगा 10%, और 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, और अब 15 से जाइएगा तो 30% लगेगा। लेकिन इस केस में आपको 7 लाख तक जाइएगा तो आपको रिबेट जो दिया जा रहा है वो 25,000 तक दिया जा रहा है, याद रखिएगा। ऑल रिज्यूमे में रिबेट्स अभी भी 12 साढ़े 12 हजार है, न्यू रिज्यूमे में जाइएगा तो आपको रिबेट आपको 25,000, इसीलिए कहा जा रहा है बार बार कि 7 लाख तक आपकी इनकम है टोटल इनकम, तो आपको नो टैक्स, तो इसका मतलब रिबेट उसमें आपको 25,000 का दिया जा रहा है। लेकिन अगर ऑल रिज्यूमे सिलेक्ट कीजिएगा सिर्फ ओनली आपको रिबेट 12,500 का दिया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आपका नो टैक्स कैलकुलेटेड 5.5 लाख तक, अब 6.5 लाख तक हम लेके आते हैं इसको। साढ़े छह तक लाख तक लाते हैं, 50,000 आपको बहुत केसेस में मिल गए हैं, टोटल इनकम आपका 5,10,000 आ रहा है। अब इस केस में देखिए 5,10,000 आ रहा है, तो ऑल रिज्यूमे में जाइएगा तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका टोटल इनकम जो है 5 लाख से एक्सीड कर जा रहा है। इन दैट केस आपको 5 लाख तक, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको जो टैक्स है 10%, मतलब 12,500 रुपया, 10,000 एक्सीड कर गया है आपको 10,000 का 20% टैक्स है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 से 10 20%, और 20 से अबव 30%। तो आपको यहाँ पर 10,000 एक्सचेंज है, 10,000 का 20%, मतलब आपका हो गया 2,000 रुपया, 12,500, 2,000 रुपया, 14,500 रुपया प्लस एजुकेशन से 4%, तो 15,080 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा, और न्यू रिज्यूमे में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं इसको। अब चलिए हम सिंपली अब 7 लाख पे कैलकुलेट करके आते हैं। यहाँ पे 7 लाख, 7 लाख पे आप यहाँ पे देखिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन बोथ केसेस 6.5 लाख इनकम दोनों केस में है, और आपको यहाँ पे कोई एटीसी आपने डिडक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया है। इस केस में आपको देखिए टोटल इनकम कैलकुलेट हो रहा है आपका 42,000 रुपये 1,700, एजुकेशन से 44,200 रुपये, लेकिन न्यू रेज्यूमे में आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है, ना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है ना एक पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इवन ऑल रिज्यूमे में तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर एचआरए वगैरह का जो क्लेम है वो ले सकते हैं। तो वहां पर रिड्यूस कर सकते हैं उस तरह, लेकिन सिंपली अभी हम लोग देख रहे हैं। अब 7 लाख से हम बढ़ा कर देखते हैं, 7,50,000, 7,50,000 कर दिया है आपने, तो रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 7 लाख तक ही मिलते हैं, 7.5 लाख। अब चूंकि रिबेट आपको मिलेगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों केस में आपको अवेलेबल है, तो 50,000 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों केस में हो गया, तो 7 लाख 7 लाख तो आपको आपको जो ग्रॉस टोटल इनकम आया 7 लाख, तो इन बोथ केसेस एंड फर्स्ट केसेस में आपको जो टोटल टैक्स देना पड़ रहा है वो 54,600 रुपया देना पड़ रहा है, और न्यू रिज्यूमे में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, कोई डिडक्शन के लिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं लगाना पड़ रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पे, है सिंपली 54,600 का टैक्स सेविंग होगा, 7.5 लाख। अब थोड़ा बढ़ाते हैं, अब 7.5 लाख का कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, देखिए कितना सिंपल आपको नजर आ रहा होगा यहाँ, कितना सिंपल। अब 7.5 लाख से हम बढ़ाते हैं 8 लाख, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी होगा कि क्या किया हमने 50,000 इनकम कमा के एक्स्ट्रा। जैसे ही आपने 8 लाख बढ़ाया तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि
50,000 आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल रहा है, 7.5 लाख इन बोथ केसेस, 7.5 लाख इन बोथ केसेस। अब यहाँ पे टैक्सेस जो आपको आ रहा है 62,500 प्लस एजुकेशन 65,000 पे टैक्सेस आ रहा है, लेकिन इस केस में आपको अभी भी न्यू रिज्यूमे में आपको जो टैक्स कैलकुलेट कर रहा है 30,000 रुपए टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। कैसे कैलकुलेट कर रहा है इसको ध्यान दीजिए, आपको 3 लाख 0 3 से 6 लाख 5% मतलब 15,000 रुपया, और 6 से 9 तक है 10%, तो 6 से 9 तो हमारा 1.5 लाख यहाँ बढ़ गया, 1.5 लाख का 10% मतलब 10,000 रुपये, तो यहाँ पर हो गए 1.5 लाख का 10% 15,000 रुपया, 15,000 15,000 30,000 रुपया प्लस एजुकेशन 31,200 देना पड़ रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ 31,200 रुपये 50,000 इनकम अपने इंक्रीज किया और 31,200 आपको टैक्स देना पड़ रहा है टोटल, लेकिन फिर भी आपको टैक्स सेविंग 33,800 रुपये हो रहा है न्यू रिजिम में। इस तरह एक मोटा मोटी हम लोग 10 लाख का हम लोग कैलकुलेट करके देख ले रहे हैं। तो 10 लाख पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 10 लाख में अब तो कोई देखिए यहाँ पे रिबेट आपको नहीं मिलेगा न्यू और ओल्ड और न्यू दोनों में केस में, क्योंकि आपका ओल्ड में 5 लाख से ऊपर इनकम है और न्यू में 7 लाख से ऊपर है, तो रिबेट नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन बोथ केसेस में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 9.5 लाख बोथ केसेस, और देखिए यहाँ पर टैक्स 50,000 कर दे दिया, 9.5 लाख, 9.5 लाख पर ऑल रिज्यूम में मतलब फर्स्ट 2.5 से 5 5% 5 से 10 आपको 20% टैक्स देना पड़ता है, तो 9.5 लाख है तो रिमेनिंग उतने पर लगेगा आपका यहाँ पे 4.5 लाख पे 20% मतलब 90,000 और 12,500, 1,02,500 प्लस एजुकेशन से 1,06,600। और यहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट 3 लाख पर नील, 3 से 6 पे आपको 5% मतलब 15,000, 6 से 9 पे आपको लग रहा है 10%, और 9 से ऊपर मतलब 50,000 से हो रहा है, इसलिए आपको उस पर 15% देना पड़ेगा 50 का, तो 50,000 का 15% हो गया आपका 7,500 रुपये, 7,500 रुपये, तो टोटल आपका यहाँ पर 52,500 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर भी आपको टैक्स सेविंग जो है न्यू रिजिम में 52,000 के यहाँ पर टैक्स। ये तो रहा आपको एक कैलकुलेशन का। अब जो है डिफरेंट, कोई भी कहे कि हाँ इतना टैक्स सेव कर देंगे ऐसे नहीं, आपको यहाँ देखना है कि इन्वेस्टमेंट एचआरए क्लेम वगैरह अगर ऑल रिज्यूम में जा रहे हैं तो आपको इतना पर कुटेशन कमीशन लगाना होगा, ठीक है। तो वो एक टफ, ये इस पर समझाया नहीं जा सकता उसको, लेकिन आपको सिंपली आप टैक्स कितना सेव करना है कितना प्लान कर सकते हैं यहाँ पे न्यू रिज्यूम में, तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। आप सुनी सुनाई बातों पे या न्यूज़पेपर रूमर्स पे यकीन ना कीजिए, आप खुद से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो कोई क्वेरी हो इसके बारे में तो आप हमें भेज सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप डाल सकते हैं, कोशिश करूंगा उसको लीगल रेफरेंस देकर आपको उसको समझाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको कोई रिकमेंडेशन हो आपका सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।